हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रॉयल आर्ट। दोस्तों, आपने अगर मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब किया है और आप मेरे पेंटिंग्स के वीडियो देखते आ रहे हो तो आपको पता ही होगा कि मैं मेरे ज़्यादातर पेंटिंग्स एक्रेलिक में ही करता हूँ और बिगनर्स के लिए मैं ट्यूटोरियल भी बनाता हूँ। तो आज का वीडियो भी मैं एक्रेलिक पेंटिंग के बारे में बना रहा हूँ, कलर को ब्लेंड कैसे करते हैं या पेंटिंग में स्मूथनेस कैसे लाते हैं उसके बारे में। मैंने एक पेंटिंग बनाया है दोस्तों, लाल सिंह चड्ढा, जो आमिर खान की अपकमिंग मूवी है उसका पोस्टर जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने उसके ऊपर एक एक्रेलिक में पेंटिंग बनाया। तो उसका वीडियो जो मैंने बनाया है उसके साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कलर को कैसे ब्लेंड करते हैं और वो जो स्मूथनेस है पेंटिंग में वो कैसे लाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज का वीडियो। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और मेरे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हो तो लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों, मेरे वीडियोस के ज़रिए मैं एक्रेलिक पेंटिंग टिप्स देता रहता हूँ, खास करके बिगनर्स को जो अभी भी एक्रेलिक पेंटिंग करना या सीखना चाहते हैं और जिन्होंने स्टार्ट किया है, लेकिन वो जो स्मूथनेस रहता है एक्रेलिक पेंट में लाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है बिगनर्स के लिए। तो इसके बारे में मैं बताता रहता हूँ, मेरे बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने बताया है कि कलर को कैसे ब्लेंड करते हैं। एक्रेलिक पेंटिंग में मैं दो तरीके से काम करता हूँ। कभी कभी मैं ड्राई ब्रशिंग से कलर को ब्लेंड करता हूँ, तो कभी कभी मैं बहुत स्पीड वर्क करता हूँ कि कलर सूखने से पहले ही दूसरा शेड बना के फिर एक दूसरे में मर्ज करना। तो ऐसे दो तरीके हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। नज़दीकी शेड्स बना के फिर वो ड्राई ब्रशिंग हो, या आप कलर को वेट कलर लेके उससे भी कर सकते हो अगर स्पीड अच्छा है तो। अदरवाइज हॉगर ब्रश आप यूज़ कर सकते हो ड्राई ब्रशिंग के लिए, जो कलर एक दूसरे के अंदर अच्छे से ब्लेंड होते हैं। दोस्तों, एक्रेलिक पेंटिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको एक बार बता दूं और आपको तुरंत आ जाएगा। मैं हमेशा कहते रहता हूं, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप सीखोगे। ये जो मैं अभी पेंटिंग कर रहा हूं इसके लिए भी मैंने बहुत साल तक प्रैक्टिस की है, उसके बाद मुझे अभी जो है वो अच्छे से आता है और मैं कर पाता हूँ कलर को ब्लेंड और स्मूथनेस लाता हूँ पेंटिंग में। तो आपके ध्यान में ये बात रहनी चाहिए पहले से ही कि फ़र्स्ट फिलिंग में ही आपको फिनिश नहीं करना है, पहले तो फर्स्ट फिलिंग करो, उसके बाद जो सेकंड लेयर आता है उसमें पानी कम ऐड करके ज़्यादा से ज़्यादा कलर ऐड करके फिर वो उसको अच्छे से ब्लेंड करो तो वो फिनिशिंग आ जाती है। और पेपर जो है वो आप 300 और 400 GSM यूज़ करोगे तो बहुत अच्छा है। कैनवास पर कर रहे हो तो और अच्छे से ब्लेंड होता है, पेपर से कंपेयर करेंगे तो मेरा एक्सपीरियंस है कैनवास पे और अच्छे से ब्लेंड होता है कलर। शेड भी आप अगर बनाते हो तो हमेशा ध्यान में रखें कि वो जो शेड है वो डल ना हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा स्किन टोन पे जो फ्रेश टोन जो रहता है वो लाने की कोशिश करें, जिससे आपका पेंटिंग और अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।